अतिथि आए यही पर्याप्त है। सुदूर राजस्थान में चातुर्मास करके हमने संकेत दिया था, सब कुछ संकेत दे रहे हैं, लेकिन जल्दी न करते हुए उस परिसर में जो भव जीव है, छोटे छोटे गांव भी हैं, उनको भी लाभान्वित यथाशक्य करते हुए क्षेत्र भी है, उनकी भी वंदना जुट जाए, उसको करते हुए बूढ़े बाबा की ओर रास्ता यदि जानते हैं तो आ जाए। आज के दिन आपके चरणों में कुंडलपुर आए थे, गुरुवार के दिन आचरण 1992 में। आज तो आजकल तो सभी काम को धीरे धीरे कोई भी रोग होता है तो पहले सामान्य रूप से फांकी दिया जाता है, चूर्ण जिसको बोलना चाहिए, फिर इसके उपरांत दूसरा थोड़ा सा गड़बड़ करता है तो इसके लिए काढ़ा दिया जाता है, फिर उससे भी यदि गड़बड़ होता है तो क्वाथ दिया जाता है, फिर उससे भी यदि गड़बड़ होता है तो उनको कहा जाता है तुम धीरे धीरे अपनी दैनिकचर्या करते हुए इस सत्य को भी आप, जैसे गिलोय सत्य है आदि आदि, ये लियो जीर्ण शीर्ण जो कुछ भी है सब ठीक हो जाएगा। ऐसे हम चार भागों में दवाई सब लोगों को देना प्रारंभ कर चुके। आप भी आ गए काले से ऊपर सत का नंबर यदि होता है ले सकते हो, और अपने को भी एक प्रकार से समेटना, क्या बोलते हैं, बाजार का दिन लगता तो बहुत लंबा चौड़ा, दिन ढलते ढलते उसको समेटना भी पड़ता है। हम तो समेट में लगे हुए समझ लो, और बहुत अच्छा आप लोग धर्म ध्यान के साथ प्रभावना के साथ काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है। सब लोगों को जीवन का वर्गीकरण करना चाहिए, बाकी सब पूछताछ तो करते हो महाराज, जीवन का क्या वर्गीकरण है। जब विद्यालय जाते थे एक हफ्ते के कैटलॉग क्या बोलते हो वो तैयार करते थे, एक एक दिन में सात सात पीरियड वगैरह रहते थे, उसके अनुसार विषय उसमें उसको तैयार समय चक्र, हाँ वो टाइम टेबल बना लेते थे
सोमवार के दिन कितने, मंगल के दिन कितने, खेल कूद का क्या। उसी प्रकार जीवन भी एक ऐसा खेल है, उसके भी हमारे आचार्यों ने हम लोगों के लिए जीवन का जिसका वर्गीकरण नहीं है उसको सफलता के बारे में स्वप्न भी नहीं देखना चाहिए, वो कभी भी नहीं होगा। तो आज यह एक बहुत गंभीर विषय है। तो सर्वप्रथम दीक्षा काल होता है, फिर शिक्षा काल होता है, फिर गण पोषण काल होता है, फिर आत्मसंस्कार काल होता है, फिर संलेखना काल होता है, औत्मार्थिक काल छठवां होता है। इस प्रकार हमारा तो समझ लो, और आपके लिए भी पहली बार कहा, कई बार कहा, आप लोगों का कर्तव्य है आप गण पोषण काल में यथा योग्य हम लोगों को सहयोग देंगे। यही एकमात्र आप लोगों का गण पोषण काल है। आगम के अनुरूप साधर्मियों के साथ और इस ढंग से वातावरण बनाए, श्रावक लोग भी उससे लाभान्वित हो सके। फिर इसके उपरांत क्षमता शरीर की देख करके आत्मसंस्कार क्या करना है, तो अभी तक जो फैलाव था उस फैलाव से बचते हुए अपने को समता को मुख्य रख करके, सामायिक को मुख्यता दे करके, आगम के अनुसार द्रविक्षित काल भाव के अनुसार शरीर कहाँ तक काम कर रहा है। केवल भाड़ा देकर के उससे काम लोगे गाफिल कर देगा वो। इसलिए महाराज अच्छी भूख लग रही है बता दो कि जो करना है कर ले, नहीं भूख लग रही है अच्छी है ये नहीं, किंतु भूख को भी हम यदि ज़्यादा बढ़ा सकते हैं तो बढ़ जाए और घटा सकते हैं तो घट जाए। शरीर की क्षमता कितनी रह गई है चलने की, आहार विहार निहार आदि आदि, नेत्र ज्योति आदि पांच इंद्रियों की क्या दशा है और पाचन क्रिया किस ढंग से चल रही है, इन सब का अध्ययन करते हुए उसको नियंत्रण में रखने का काम करते हैं। प्राय करके रेल है, स्टेशन है, उस समय एक दो किलोमीटर पूर्व से ही वार्निंग है, घंटी लग जाती है संकेत, तो वहाँ गियर में जो गाड़ी रखी है उसको कम करके लोगों को उतरने की सुविधा बनाता है, और यह सब संकेत के बिना नहीं होता। तात्कालिक यदि रेल में ब्रेक लगाए पक्का है कई व्यक्तियों को लेकर के चला जाए। इसी प्रकार यह भी एक गाड़ी है, हम पहले से कहते हैं भैया जिसको जिस स्टेशन पर उतरना है उतर जाओ, और शेष जो रह गया है कार्य उसको आगम के अनुसार अपनी शक्ति के अनुसार द्रविक्षित काल भाव के अनुसार पूर्ण कर लेना। अंतिम संलेखना मरणम ये सब के लिए अनिवार्य है। तो इसलिए छों कालों को गुरु जी के सामने संकल्प लिया था, उन्होंने बताया था यह दो आगम के अनुसार वर्गीकरण दिया गया। यह वर्गीकरण
किसी भी मोह के कारण आगे पीछे नहीं करना। और आज अभी तो आपका बहुत शरीर अच्छा है, आहार पानी को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। और वो शाम श्रावक लोगों को भी कह देते हैं, वो विवेक रखते हैं ही नहीं। ये सब बातें आप मेरे सामने नहीं करो तो बहुत अच्छा है। हाँ, इस प्रकार करके दंता के माध्यम से दुकान चलाने वालों नहीं समझे, वो दंता तो चाहते ही कुछ दंता, हम उसमें से नहीं। गुरु जी के सामने संकल्प लिया है, जैसे आपने किया वैसे ही आपकी कृपा से हमारा भी यह अंतिम क्षण, जो एक प्रकार से भविष्य के भूमिका के लिए बहुत बड़ा जबरदस्त कार्य करने वाला है, हम जो जो भविष्य में चाहते हैं, धर्म ध्यान के योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्रभु। तो गुरु जी ने ये कहा था, जीवित मरने से लाह लाए ने वो ने जीवित मरना संशय निदान बंद निदानानी सुखान बंद निदानानी। ये पांच संलेखना व्रत के अतिचार माने गए हैं। इन अतिचारों से दूर होते हुए हमें न जीवन की इच्छा रखना है और जल्दी जल्दी मरण की भी इच्छा नहीं रखना। सुखानुबंध मित्रानुराग, मित्रों के प्रति कोई राग नहीं, और द्वेष जो रखते अपने प्रति उनके प्रति भी कोई द्वेष नहीं। न पूजिया तई भीतर आगे न निंदया नाथ विवाद, इस प्रकार राग द्वेष से रहित होकर के सुखानुबंध जो बहुत कुछ खाया पिया काम किया आदि आदि उसी में गाफिल हो करके उन सुखों को याद करना, ये और अभिशाप का काम करता है। निदान बंद, भगवान हमने इतने काम किए हैं आपकी कृपा से, किंतु आप अच्छे स्थान पर हमें भेज दो। यह वांछा न रखते हुए आपके चरण शरण हमें बार बार मिलते रहे, हम और कुछ भी नहीं चाहते। यह आमाल्याजन देव देवभूत, जब से बुद्धि काम करना प्रारंभ कर दी तब से आपके प्रति प्रेम स्नेह भक्ति भाव हुए, ये भर हमारे लिए बने रहे और कुछ भी नहीं चाहते हैं। कितने भी आप, हम उसमें से उसके फल के स्वरूप नहीं है, निदान नहीं है। एकमात्र रत्नत्र है जो कि सब सुखों का निदान है, उसको याद करें। गुरु एनम अंत में बहुत सर्वश्रेष्ठ है, जो जीवन का सबसे ज़्यादा उथल पुथल होते समय पर वह काम करता है, उनके वचनों को याद रखते हुए आगे का जीवन उन्हीं के नामस्मरण करते हुए क्षणिक है, कब जाता पता है ही नहीं। इसलिए कोई भी इन पांच दोषों को नहीं लगाते हुए यहाँ विदा हो जाए, और जो संयोग हुआ है वियोग भी होते हैं आदि आदि अनेक प्रकार के होते हैं, वो क्षणिक कर्म के ऊपर आधारित है, समझ करके किसी के प्रति भी
राग द्वेष नहीं करते हुए खम्मा भी खमुन तुम्हे, ये दो शब्द संक्षेप है। मैं क्षमा करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, और कोई भी हमारा दोष, दोष तो बहुत सारे दोषों का पिटारा है, उसको हम क्षमा चाहते हैं। आपके पास अभी मान लो कोई कमी हो गई हो, उसको भी उसी प्रकार हम कर्म के ऊपर आधार समझ करके छोड़ देंगे। यह यदि भगवान अंतिम समय में घटित हुआ, हमारी यात्रा सफल सफल हो गई, और कुछ नहीं। साहस का काम है, आंखों में पानी न आए, मुख में पानी आए, इन सब बातों को अपने जीवन में भावना के अनुसार निष्पादित करना है। फिर जैसे हमने किए हैं उसके अनुसार अंक मिलने वाले हैं, लेकिन हम मांगने वाले में नहीं है, हम पुरुषार्थ से ही प्राप्त करेंगे, लेंगे, सबको प्रेरणा मिले, ऐसे भाव रखना है। अभी दो तीन महाराज और दो दिन में कल आने वाले, लगभग बहुत जल्दी हाँ बिल्कुल, देखो हमने कभी भी रत्नत्रय के सिवाय गुरु से कुछ भी मांगा नहीं। कई लोगों ने कहा था, और स्वाभाविक है क्योंकि उनका जीवन बहुत लंबा चौड़ा दीर्घकाल का था, सभी क्षेत्रों के उनके पास प्रावीण्य विद्यमान था। कई लोगों ने कहा गुरु महाराज से कह दो, जैसे उन्होंने कहा दक्षिणा तो दे दो, तो भगवान आपके पास जो कुछ भी क्या बोलते हैं उसको इकट्ठा किया हुआ, आप कहाँ जा रहे हो, वहाँ जाने की यहाँ पर इसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं, यदि हमें दे दे तो बहुत अच्छा हुआ। स्वप्न में भी हमने नहीं कहा, उन्होंने कहा देवावी तस्पन्वन्ति जस रम्ये, बिल्कुल जिनके हृदय में अहिंसा धर्म वास करता हो उसके लिए देव लोग भी हाथ जोड़ करके आप मांगो ही नहीं, कर्तव्य मान करके आपके सेवा करने के लिए तैयार होंगे। बस यदि उनका भी सहयोग इस कार्य पवित्र कार्य में होता है तो हम उनको मना नहीं करेंगे, लेकिन हम बुलाएंगे नहीं। गुरु जी ने कहा किसी की इच्छा नहीं करना, जीवन मरण कुछ नहीं, ये इच्छा है अंतिम संलेखना मरण बस हो, और कुछ नहीं। समता के साथ जीवन का उपसंहार हो, और ये पक्का है संघर्ष में जीवन का उपसंहार हर्षमय, और ऐसा तो कोई उपमा है ही नहीं अपने पास, और कुछ नहीं चाहिए, ग्रंथों में लिखे उसके अनुसार हो। लघुकार मंत्र भी याद रह जाए तो हमें और कुछ भी इच्छा नहीं, उसमें सब सारभूत आ जाते। पंच गुरु चरण शरणों दास
कह तत्व पतंग रही है। सुन रहे हो हमारा क्या होगा, ऐसा न सोचिए। पूर्वजे ने जो रास्ता बताया उसके अनुसार ठीक होगा। गैर गैल की ओर मत देखो, बस इतना ही, बाकी सब गैर समझते हो। हाँ, गलत मार्ग की ओर दृष्टि न जाए, वाह वाह में कहीं फंस न जाओ। गुरु जी कहा करते थे, मैं तो एक साधक हूँ, साधना ही मेरे लिए प्रिय है। मैं प्रभावक नहीं हूँ, प्रभावना होती है, वाह, भावना रखो, प्रभावना हो नहीं जितनी है अपने कुवत के अनुसार होगी। उसमें भी ख्याति पूजा लाभ का कोई समावेश न हो, और इसके अलावा जो बड़े बाबा के जो सेवा हुई मांगने की बात ही नहीं, वो सब बरसेगा, प्रभावना के कारण बनेंगे, यही भाव है, बाकी सब आप लोग। अब हमसे कुछ नहीं मांगी हो हमने आशीर्वाद तो बांटा है, पर्याप्त, हमें संतुष्टि भी है, गुरु के वचन फलते हैं। मेरा यहाँ क्या है, मेरा यहाँ क्या आशीष फल रहा है, आशीष फल रहा है, शीर्ष जाकर बैठूं, शेष रह गया है। गुरुओं का आशीष फलता है, फूलता है। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, कुछ चाहता है से पूछा तक नहीं आपने मांगा नहीं, उन्होंने पूछा। उन्होंने यही कहा है, मांगने से कमी, मांग ले तो क्या होगा, और देने वाले मान लो बहुत देने वाले हैं तो हम ऐसा काम नहीं करते। हाँ, योग्य हो देगी और क्या देना, आशीर्वाद दे दिया, गुरुकुल बनाओ, बनो ठीक, बन वही सब बना रहे, छह ही नहीं अपना। ए गुरुकुल बनाओ तो जहाँ गुरुकुल बने वहीं पर जाओ, सीधा ही आ गए, आ गए तो ऐसे ही यहाँ से जा ही नहीं सके। एक को भी मांगा नहीं, लेकिन जो जो आए वो सारे सारे निश्चय करके ही आए थे। पुष्पवंत भूत बलि महाराज जब धर्मसेन महाराज के पास आए संघ के भेजने से, अध्ययन पूर्ण हो गया, विधिवत उन लोग दोनों की परीक्षा हुई अध्ययन करा करके, और कहा धर्मसेन महाराज आपका अध्ययन पूर्ण हो चुका है, अब यहाँ से
उपवास चातुर्मास का काल आ रहा है, आप उचित स्थान पर अपना वर्षा योग स्वीकार करिए। तो पुष्पदंत ने या भूत बलि ने कहा, बताते महाराज इतना समय तो हो गया, तो पाँच ही रह गया, सात आठ दिन भी नहीं रह गए और आप भेज रहे हो। तो दूसरे महाराज ने कहा, पुष्पदंत तो भूत बलि ने, अरे कुछ मांगो नहीं, आज्ञा मिला है, ये महान पुण्य का उदय है। कहीं आज्ञा पलट गया तो घाटा लग जाए कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, पर हो गए सब। ऐसा हमारा कहना है कि आप लोगों को भी इसी प्रकार आगे की यात्रा करना है। महोत्सव समाप्त होने से पूर्व में ही आपको कुछ संकेत और सोच करके हम दे देंगे, उसके अनुसार आप, ताकि बीच में कुछ मांगे नहीं। और सब ठीक है, जीवन की यात्रा है। कभी मन बोलता है, कभी वचन बोलते हैं। आज आप मन से भी नहीं बोल रहे, वचन आपके अंतःकरण से बोल रहे हैं, पूरा अंतःकरण। आज गुरुवार है, गुरु का दिन है आज। उन्होंने तो बताया वो करती हो क्या कर। कई बार सोचता हूँ अब थोड़े से बोलने का उपदेश का उसकी मात्रा थोड़े से कम हो जाए, लेकिन उस दिन ज़्यादा हो जाए। है हो गए, गुरु जी ने ऐसा ही माल दिया तो होगा, हमारे वजह से कुछ नहीं हो रहा। हाँ आएंगे, कोई बात नहीं, कई बार ग्राहकों को लौटाना भी पड़ता है। क्या करें, बहुत अच्छा। अहिंसा परमो धर्म, वन 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 वन।